फ्रेंड्स, अगर आपका यूट्यूब शॉर्ट चैनल है या फिर आप इंस्टाग्राम रील्स बनाते हो और फेसबुक पे भी शॉर्ट वीडियो डालते हो, तो आपको पहले वीडियो को ढूंढना पड़ता होगा, उसके बाद एडिट करना पड़ता होगा, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाता होगा। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, सिर्फ आपको 1 घंटा में 50 शॉर्ट वीडियो आपको बना कर देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब मंत्रा। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो एवरीवन, मैंने आपको बोला कि 50 वीडियो वो भी एक बार में बना के देगा। एक महीने में सिर्फ आपको 1 घंटा टाइम देना है और वो आपको 50 वीडियो आपको बना कर देगा। सो गाइज, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं अपने शॉर्ट सोशल मीडिया को अपना संभालना चाहते हैं, अपना मतलब सोशल मीडिया में ग्रो होना चाहते हैं, लेकिन वो ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि गाइज उस पे आपको है कि आपको पर डे आपको वीडियो अपलोड करना है, कम से कम 1 से 2 वीडियो आपको पर डे आपको अपलोड करना होता है, जिसके कारण आप कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते हो और आप सोशल मीडिया भी अच्छे से आप संभाल नहीं पाते हो। सो गाइज, मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आई हूँ जहाँ से आप सिर्फ 1 महीना में आपको 1 घंटा टाइम देना है और आप बहुत सारे वीडियो आप बना सकते हो, शॉर्ट वीडियो रेडी कर सकते हो। सो गाइज, ये आइडिया पे अगर आप काम करते हो तो आप अपना इंस्टाग्राम सॉरी आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया या तो भी यूट्यूब शॉर्ट है, अब ये तीनों आप एक बार में आप संभाल सकते हो। यहाँ की आपको बार बार वीडियो अपलोड आपको पर डे वीडियो भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक दिन शेड्यूल करना है और वीडियो 1 महीना तक आपका कंटेंट रेडी है और उस पर आपको छोड़ देना है। चैनल आपका ऐसे ही ग्रो होते जाएगा और आप अच्छा खासा अर्निंग भी आप करने लगोगे। सो एवरीवन, सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ स्क्रीन पे हमेशा की तरह, तो आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है गाइस, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कर सकते हो और इससे अर्निंग भी गाइस बहुत अच्छी होती है, तो आपको इस पर ध्यान देना है, आप देखते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो क्रिएट करने में, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सिर्फ 1 लाइक, और टाइम कितना लगता है सेकंड भी नहीं लगता है, आप लाइक कर लोगे। सो शेयर भी जरूर करें गाइस, क्योंकि लोगों को जिन्हें ज़रूरत है इस तरह के वीडियो को उन्हें ज़रूर भेजें। सो मैं लेके चल रही हूँ अपने स्क्रीन पे, आप हमारे साथ बने रहें। सो हेलो गाइस, मैं आ गई अपने स्क्रीन पे, और आज का जो हमारा कंटेंट होने वाला आज बहुत ही स्पेशल है गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको रील्स बनाना बहुत पसंद है, रील्स बनाना पसंद है गाइस, जैसे कि रील्स है चूँकि बहुत ज़्यादा वायरल होता है, तो बहुत लोग के पास टाइम नहीं रहता है रील्स बनाने के लिए, वो कंसिस्टेंसी वो बना कर नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण से उनका जो चैनल होता है वो ग्रो नहीं करता है और वो अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। वो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं गाइस जो कि शॉर्ट्स बनाना चाहते हैं और उनके पास टाइम नहीं रहता है और नहीं कर पाते, और उनको बनाना बहुत पसंद होता है क्योंकि शॉर्ट्स हो गया, रील्स हो गया, ये सब बहुत जल्द वायरल होता है। सो गाइस, आज मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप सिर्फ 1 घंटा में आप कम से कम 50 से भी ज़्यादा रील्स या शॉर्ट आप बना सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये कैसे होने वाला है सब कुछ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, कैसे आप बनाओगे गाइस, किस तरह से आप इस तरह का शॉर्ट्स बनाओगे, वो भी सिर्फ आपको 1 महीने का जो आपका काम है वो आपका 1 घंटा में हो जाएगा, 1 दिन में। 1 दिन क्या गाइस, 1 घंटा में आपको, पूरे 1 महीना में आपको सिर्फ 1 घंटा देना है और आपका 50 रील्स 50 शॉर्ट्स आपका रेडी हो जाएगा। सो गाइस, कैसे होगा मैं सारा डिटेल्स आपसे शेयर करने वाली हूँ, और आपको किस किस का ज़रूरत पड़ने वाला मैं वो भी बता देती हूँ। सबसे पहले गाइस, आपको चैट तो आपको ज़रूरत पड़ने वाला है चैट GPT का और गाइस कैनवा का, ये 2 प्लेटफॉर्म से गाइस आप आराम से आप कंटेंट रेडी कर सकते हो, शॉर्ट्स बना सकते हो, वो भी 50 या 100 शॉर्ट्स आप बना सकते हो ईजिली। सो कैसे करना है गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहें आप। तो सबसे पहले आपको गाइस जाना है ChatGPT पे। सबसे पहले गाइस मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जैसे शॉर्ट्स होता है वो कितने वायरल होते हैं, और आज का जो हमारा कंटेंट है, अगर आपको आइडिया नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कि क्या टॉपिक चूज़ करना है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टॉपिक यहाँ पे बता दे रही हूँ, जैसे कि रील्स है जिसपे आप कंसिस्टेंसी बना के रखोगे, आपको रोज़ अपलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको बस इसको शेड्यूल कर देना है। यूट्यूब में ये ऑप्शन देता है गाइज, इंस्टाग्राम में भी देता है, जैसे कि मोटिवेशनल कोट्स होता है गाइज, देख सकते हो आप इसका जो फ्लोवर्स है कितना ज़्यादा इसका फ्लोवर्स है, मोटिवेशनल कोट्स हो गया,
जैसे देख सकते हो आप मोटिवेशनल कोर्स हो गया, या तो फिर डिप्रेशन से लेकर बहुत सारा कोर्स रेडी होता है, रिलेशनशिप हो गया, लव, इस तरह का कोर्स हो गया, उस पर अच्छा खासा व्यूज आता है और बहुत जल्द ग्रो भी करता है। जो इंस्टाग्राम होता है या फिर शॉर्ट्स होता है वो बहुत जल्द ग्रो होता है। क्वाइट जो कोर्स होता है गाइज वो बहुत जल्द वायरल होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका जो फ्लोवर्स है कितना ज़्यादा है, और इनका जो कोर्ट्स पे जो यहाँ पे व्यू है वो भी बहुत अच्छा खासा व्यू है। और इन्होंने कुछ वैसा किया नहीं है, बस सिंपल इन्होंने कोर्ट्स बनाया है और बहुत इजीली ये बन जाता है। और आप आराम से ऐसा कोर्ट्स आप रेडी कर सकते हो। सो कैसे, जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गया, या फिर डिप्रेशन से लेख हो गया कि डिप्रेशन से कैसे उभरे, इस टाइप का कोर्स अगर आप बनाते हो तो बहुत जल्द ग्रो करेगा आपका जो इंस्टाग्राम। सोशल मीडिया पे बहुत लोग नहीं टाइम दे पाते हैं क्योंकि उन्हें रोज़ उस पर एक्टिव रहना पड़ता है, इस वजह से वो छोड़ देते हैं। बट गाइस ऐसा बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको सिर्फ कुछ घंटा आपको काम करके आप पूरा एक महीने का आप रेडी कर सकते हो, अपना सोशल मीडिया भी आप संभाल सकते हो, वो भी खुद से और वो भी मिनट में गाइस। तो किस तरह से इस तरह का कोर्स रेडी होता है मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको जाना है ChatGPT में। ChatGPT अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके पास नहीं है गाइस तो ChatGPT आपका बहुत हेल्प करने वाला है आपको टॉपिक चूज़ करने में। सो गाइस आपको नीश वाइज काम करना है, आपका जो नीश है उससे रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो। आप अलग अलग भी आईडी बना सकते हो, जैसे इंस्टाग्राम है आप इस पर कुछ जैसे कि मोटिवेशनल आप डाल रहे हो तो एक में आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट डाल सकते हो, एक में आप डाल सकते हो कि कैसे डिप्रेशन से उभरे, इस टाइप का आप डाल सकते हो। तो आपको लिखना है बस यहाँ पे गाइस। सो गाइस यहाँ पे मैंने लिखा है राइट 50 मोटिवेशनल कोट्स फॉर ओवरकमिंग डिप्रेशन। चलिए इंटर करते हैं और ये देखिए ChatGPT आपको अच्छा से, मतलब कि आपके पास अगर नहीं है और अगर आपके पास है टॉपिक तो भी बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ChatGPT स्टार्ट कर दिया, जनरेट कर दिया है, आपको कंटेंट देना और इस कंटेंट को आप यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो मैं आपको वो बताऊँगी। यहाँ पर आप समझ लें कि किस तरह से आपको सर्च करना है, किस टाइप का आपको कंटेंट चाहिए, आपको यहाँ से जनरेट कैसे करना है। इसके बिजनेस का हो गया गाइस कि हाउ टू बिकम इन सक्सेसफुल इन बिजनेस, तो आप यहाँ पर बिजनेस का भी ले सकते हो कोर्स। बहुत सारा होता है गाइस, जैसे कि सैड से कैसे उभरे, जो डिप्रेशन से है वो कैसे निकले, उसके बाद मोटिवेशन का जो होता है, जिमिंग का होता है, ये सब जो कोट होता है गाइस लोग पढ़ना बहुत पसंद करते हैं और बहुत अच्छा खासा व्यूज़ भी आता है। तो ये देख सकते हो आपकी इतना ज़्यादा ये जनरेट कर दिया है। तो आपको बस कुछ नहीं करना है गाइस, यहाँ पे अगर ये काम देता है तो आपको यहाँ पे और लिख देना है कि गिव मी मोर, तो ये और आपको देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ गिव मी मोर, तो ये और स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि यू आर नेवर टू, मतलब ये आपको 50 क्या आपको 100 भी देगा। तो आपको क्या करना है कि आपको इसको आपको उठा लेना है, आपको बस ये कॉपी करना है। तो ये अभी जनरेट कर ही रहा है, सो ये देख सकते हो आप। सो ये देखिए 50 हो गया है। तो हम लोग करते हैं Ctrl+C और ये 50 कोट्स हमारा रेडी है। अब गाइस आपको जाना है गूगल में, और यहाँ पे आपको गूगल शीट आपको खोल लेना है। गूगल शीट में गाइस आप अपना जो आपका कंटेंट है उसे आप रख सकते हो, क्योंकि उसका फाइल हम लोग का चाहिए तो इसलिए हम लोग गूगल शीट में अपना कंटेंट को रखेंगे। तो इस तरह से आपको गूगल शीट का यहाँ पे URL मिल जाएगा, इस पर आपको हो लेना है लॉगिन, ये आराम से हो जाएगा। और आपको एक ब्लैंक पेज ले लेना है यहाँ से, उसके बाद आपका जो कंटेंट है आपको यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना। पेस्ट आप कैसे करोगे, आपको राइट क्लिक करना है और पेस्ट स्पेशल में जाना है, और वो वैल्यूज़ ओनली आपको करके डालना है। नॉर्मली आप सिर्फ पेस्ट आपको नहीं करना है, अगर आप नॉर्मली कर देंगे पेस्ट गए तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो भी इसका जो स्पेशल जो वर्ड्स रहते हैं कोमा ये सब हो गया, वो सब चीज़ें भी आ जाएगा जिसके कारण थोड़ा प्रॉब्लम होता है। सो गाइज ये देखिए ये आपका कोट रेडी हो गया है, और यहाँ पर कोई भी किसी तरह का प्रॉब्लम, मतलब कि कोई भी जो कोमा ये सब होता है वो चीज़ें नहीं है। तो आपको क्या करना है, ये आपको सबसे पहले इसको आपको बड़ा कर लेना है इस तरह से, और ये देखिए आपका 50 कोट्स रेडी हो गया है। अब इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो फाइल में आपको जाना है, यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, और यहाँ पर कोमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल में आपको इसको डाउनलोड करना है गाइस। आपको याद रखना है इसी में आपको डाउनलोड करना है, इसमें आप डाउनलोड करोगे
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो गया है। अब गाइस आपको जाना है कैनवा में। अब आपको जो भी आपका रील है या शॉर्ट है, रील आप बनाना चाहते हो या फिर शॉर्ट्स बनाना चाहते हो, आप आराम से आप बना सकते हो। तो क्रिएट ए डिज़ाइन आपको कर लेना है। मैं इंस्टाग्राम का आपको बता रही हूँ, आप शॉर्ट भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम स्टोरी है, इंस्टाग्राम रील है। अगर आप शॉर्ट्स में जाना चाहते हो यहाँ पे आप शॉर्ट भी ले सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आप शॉर्ट ले, यूट्यूब शॉर्ट हो गया तो आप यूट्यूब शॉर्ट भी ले सकते हो। जैसे कि इंस्टाग्राम है, मैं आपको इंस्टाग्राम पे अभी बता दे रही हूँ, आप दोनों कर सकते हो, आप पोस्ट भी कर सकते हो। तो इंस्टाग्राम रील पे मैंने क्रिएट किया, सेम ही रहता है, जो उसका डायमेंशन होता है, उसका साइज़ जो होता है वो सेम ही होता है लगभग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये खुल गया है। टेम्पलेट भी बहुत सारे यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे आप लिख सकते हो मोटिवेशनल कोट्स, तो ये देखिए उससे रिलेटेड ये आपको टेम्पलेट भी देगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो नहीं चाहिए, आपको सिर्फ बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है मोटिवेशनल बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नॉर्मली जो बैकग्राउंड होता है वो आपको दे दिया, वीडियो नहीं है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। सो मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है। तो एक मैं बैकग्राउंड ये ले रही हूँ और फिर उस पर मैं बताती हूँ कि किस तरह से आपको बनाना है। यहाँ पे आपको गाइस बहुत सारा मिल जाएगा कोट्स, तो मैं एक चूज़ कर लेती हूँ कोई भी। तो गाइस मैंने ये कोट ले लिया है, इस कोट में भी बहुत सारा कोट है, सॉरी इस ये टेम्पलेट में भी बहुत सारा टेम्पलेट है। तो ये मैं ले लेती हूँ, मुझे ये अच्छा लग रहा है। ये देखिए इस तरह से। तो अब क्या करना है गाइस, अब आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ लेफ्ट साइड में, जो मल्टीप्लाई आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। आपको क्या करना है कि आपको राइट लेफ्ट साइड में यहाँ पे आना है और ऐप पे क्लिक करना है। ऐप पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और थोड़ा सा स्लाइड करना है आपको, यहाँ पे आपको बल्क क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस आप बल्क में आप क्रिएट कर सकते हो 50-100 जितना आप चाहते हो उतना। तो उसके बाद जो गाइस आपको करना है, सबसे पहले CSV फाइल जो हमने डाउनलोड किया था वो हम लोग को अपलोड करना होगा। तो अपलोड CSV हम लोग करते हैं और देख सकते हो ये मेरा यहाँ पे सेव था, तो मैंने इसे ओपन कर लिया है। अब गाइस आपको यहाँ पे आना है, आपका जो टेम्पलेट है और उस पर आपको राइट क्लिक करना है। और यहाँ पे गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट डेटा। तो यहाँ पे आपको डेटा को कनेक्ट कर, जो आपका डेटा है उसको आपको कनेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए ये हमारा डेटा कनेक्ट हो गया, इसको आपको करना है कंटिन्यू। यस गाइस मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देती हूँ, जैसे कि आपका कंटेंट है, आप इसको चेंज करना चाहते हो, इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हो, इसका कलर चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ से आप बहुत सारा आपको ऑप्शन, एडिट फोटो जब आप करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है गाइस। तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, तरह से आप इसको रख भी सकते हो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ से आप फॉन्ट भी इसका अलग कर सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू आप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपका जितना कोट्स था यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे आपको करना है जनरेट 47 पेज, ये जनरेट कर देगा। तो आपको जनरेट पे क्लिक करना है और देखिए आपका अब रेडी हो गया। तो ये जनरेट करना अब स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपका 50 कोट्स गाइस रेडी हो गया है बनकर। सो यहाँ पे आप एडिट भी कर सकते हो, आप अलग अलग कोट जो है आपका आप उसको एडिट भी कर सकते हो। यहाँ पे रख कर आप अलग अलग कोट्स को आप एडिट भी कर सकते हो गाइस। इतना इजी होता है एक, आप आराम से अब अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो आप संभाल सकते हो और इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हो। और कितना बढ़िया लग रहा है, आपका कोट भी रेडी है। सो गाइज आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक ज़रूर करना गाइज आप, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो समझ में आता है कि हाँ आपको पसंद आई है वीडियो। और आप अगर आप किसी और तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो किसी पे अगर आप वीडियो आप बनाने बोलोगे तो मैं वीडियो भी क्रिएट करूँगी। तो बस आपको कमेंट करना है, आपको कमेंट करके बोलना है मैम मुझे इस पे वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर क्रिएट करूँगी। सो गाइस आपका ये रेडी हो गया है। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल पेजेस यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आप अगर ये पूरा एक बार में डाउनलोड करोगे तो ये एक वीडियो में डाउनलोड हो जाएगा।
सो गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक एक करके आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आप जाओगे डाउनलोड पे, जैसे कि आपको एक एक करके डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गाइज अभी तक कैनवा में ये फंक्शन नहीं आया है कि एक बार में आप जो 50 एक बार में आप सारा आप डाउनलोड कर सको, ऐसा ऑप्शन नहीं आया है। इसीलिए गाइज आपको एक एक करके डाउनलोड करना पड़ेगा। वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, उतना टाइम भी आपका नहीं लगेगा गाइज। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे किस तरह से क्रिएट किया। बहुत इजी है गाइज, आप आराम से आप हैंडल कर सकते हो, अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो आप आराम से हैंडल कर पाओगे। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, किस तरह से मैंने आपको एडिट करना बताया, किस प्लेटफॉर्म आपको से चैट जीपीटी और कैनवा के थ्रू मैंने बताया, इस दो प्लेटफॉर्म के थ्रू आप बहुत सारे वीडियो आप बना सकते हो गाइज। इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ रहा है और एक मंथ का कॉन्टेंट आपका रेडी है, इतना वायरल कंटेंट है और इससे आप अर्निंग भी बहुत अच्छा कर सकते हो। आप जानते ही हो कि शॉर्ट जो है कितना मोनेटाइज हो गया है, अच्छा खासा उससे आप अर्निंग भी लोग कर रहे हैं, तो आप इस पर काम कर सकते हो। सो कैनवा जो है गाइस 50 वीडियो ऐसे ही आपको जनरेट करके देगा, आप उसमें आप एडिट भी कर सकते हो अपने वीडियो को और अच्छा खासा आप वहाँ से आप वीडियो को अपना एडिट भी कर सकते हो गाइस। बहुत अच्छा चैट जीपीटी है ही, वहाँ पे आपको अगर टॉपिक नहीं पता है या फिर आपको टॉपिक पता है कोर्स से रिलेटेड, आपको सारी कंटेंट आपको वहाँ पे आराम से मिल जाएगी। तो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और गाइस अभी बात कर लेंगे हम लोग वैसे लोगों के बारे में जो ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, जो घर बैठे पैसा कमाना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। सो गाइस इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल की जरूरत नहीं है, बस आपको एक लिंक चेक करना है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां पे आप देखोगे 3 दिन का एफिलिएट मार्केटिंग का वर्कशॉप बिल्कुल आपको फ्री मिल रहा है, आपसे 1 रुपए भी नहीं लिया जा रहा है गाइस। बस आपको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के लिए 3 चीज मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अपना नाम, ईमेल आईडी और अपना फ़ोन नंबर, ये 3 चीज़ मेंशन करके आप ज्वाइन कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। अगर क्वालिफिकेशन का हम लोग बात कर लें तो अगर आप 10th पास हो या 12th पास हो या ग्रेजुएट हो या फिर अनग्रेजुएट हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, रिटायर्ड पर्सन हो, फ्रेशर हो, हाउस वाइफ हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो एवरीवन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है, आप चेक कर लें। सो गाइज आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और इम्प्लीमेंट आपको करना है गाइस, जो भी मैंने आपको बताया है इम्प्लीमेंट करोगे तभी आप कुछ सीखोगे, तभी आप अर्न करोगे, तभी आपका चैनल, तभी आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रो करेगा। सो अभी के लिए मैं लेती हूँ आपसे बाय।